राष्ट्रीय कांग्रेस के आदेश पर आज सभी राज्यों में ईडी दफ्तर का घेराव किया गया। हिंडनबर्ग मामले पर कांग्रेस ने नेताओं में जमकर आक्रोश नजर आया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी घेराव करने पहुंचे। घेराव के दौरान पुलिस के सात कार्यकर्ताओं की झूमा झटकी भी देखने को मिली। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बड़ी संख्या में बल की तैनाती की गई और लगातार कार्यकर्ताओं को शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। हमारे संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने कांग्रेस घेराव का जायजा लिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले को लेकर कांग्रेस पूरे देश भर में ईडी कार्यालय का घेराव कर रही। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो ईडी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे और देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि किस तरीके से पुलिस के साथ झूमा झटकी यहां पर हो रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए और उन्हें इन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। सामने ईडी का दफ्तर है और वहीं देख सकते हैं किस तरीके से जो झूमा झटकी है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, साथ ही नेता प्रतिपक्ष जो चरण दास महंत है उनके नेतृत्व में यह घेराव जो है वो किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर घेराव करने के लिए निकले। देख सकते हैं कि कड़ी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है कि कोई भी इस बैरिकेड को पार करके ईडी कार्यालय तक ना पहुंचे। जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनके दुरुपयोग का आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है और जो अडानी ग्रुप के खिलाफ में जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आई है उसे लेकर कहा जा रहा है कि अब ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, कोई छापेमार कार्रवाई यहां पर नहीं की जा रही है, पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है, इस तरह के मामले जो है वो यहां पर कहा जा रहा है। फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहां पर भीड़ है बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहां पर है और साथ ही लगातार समझाने की कोशिश लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है कि कानून के अपने हाथ में ना ले और जो बैरिकेड लगाए गए हैं उन्हें तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। तो वहीं लगातार पुलिस अपने इस पुलिस का कहना है कि कुछ पदाधिकारी पार करके ज्ञापन सौंपने आ सकते हैं, बाकी कार्यकर्ता जो हैं वो पुलिस के द्वारा जो बैरिकेडिंग की गई है उसी पर ही रहें और कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन करें, शांति व्यवस्था बनाए रखने की लगातार अपील जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा कही जा रही है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन अपने बल तैनात करके इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।